आकांक्षा दुबे का शव सारनाथ थाना क्षेत्र के सोमेंद्र होटल में लटकता हुआ मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आकांक्षा 22 मार्च से सारनाथ के सोमेंद्र होटल में रुकी हुई थी। वहां वो अपनी फिल्म नायक की शूटिंग के लिए आई थी। आकांक्षा सोमेंद्र होटल के कमरा नंबर 105 में ठहरी हुई थी। 22 से कल यानी 25 तारीख तक वो अपनी फिल्म शूटिंग में लगी हुई थी। कल रात वो इंस्टाग्राम पर लाइव भी आई थी। वो अपने फैंस से बात करते हुए खुश दिखाई दे रही थी। लाइव में अभिनेत्री पवन सिंह के साथ गाना रिलीज होने की जानकारी भी दे रही थी। लाइव के वक्त आकांक्षा सोमेंद्र होटल में ही मौजूद थी। आपको बता दें कि अगली सुबह यानी आज 7:45 पर उनका गाना आरा कभी हारा नहीं रिलीज हुआ था। रविवार सुबह 10 बजे जब फिल्म के क्रू मेंबर फिल्म शूटिंग पर चलने के लिए बुलाने गए तो आकांक्षा का शव लटकता हुआ मिला। क्रू मेंबर ने तुरंत इस बात की जानकारी होटल मैनेजर को दी। इसके बाद होटल मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी। वहीं अगर आकांक्षा के शव की बात करें तो एक्ट्रेस का शव बैगनी रंग की साड़ी से लटकता हुआ मिला है। एक्ट्रेस के चेहरे पर कालापन और जीभ बाहर निकला हुआ दिखाई दिया था। आकांक्षा की एक फोटो सोशल मीडिया पर सामने आई है। इसमें उनके गले में बैगनी रंग की साड़ी गले में लिपटी है, लेकिन वो बेड पर बैठी नजर आ रही है। उनका एक पैर बेड पर है और दूसरा जमीन पर दिखाई दे रहा है, जो एक्ट्रेस की आत्महत्या पर सवाल उठा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि कमरे की ऊंचाई 10 फुट है, सीलिंग के साथ 2 फुट का पंखा लटका हुआ है, बेड की ऊंचाई 2 फुट है। एक्ट्रेस आकांक्षा की लंबाई 5.5 है। अगर हम एक्ट्रेस की लंबाई, फैन और बेड की ऊंचाई को जोड़ते हैं तो 9.5 फुट होता है। वहीं अगर इसको कमरे की ऊंचाई 10 फुट से घटाते हैं तो आधा फुट बचता है। फिर ऐसे में वो खड़े होकर या बैठकर कैसे फांसी लगा सकती हैं? सोशल मीडिया पर जो आकांक्षा के शव का फोटो वायरल हो रहा है वो इस खबर में पब्लिश करने लायक नहीं है। आपको बता दें कि आकांक्षा होटल में पार्टी करने के बाद देर रात 1:55 पर वापस घर लौटी थी। होटल मैनेजर ने बताया कि जब वो वापस आई तो उनको छोड़ने साथ में एक युवक भी आया था। अभिनेत्री जब कार से उतरी तब वो लड़खड़ा रही थी। साथ ही आया युवक उनको कमरे तक पहुंचाने होटल के अंदर आया। वो युवक कमरे में 17 मिनट तक अभिनेत्री के साथ रहा, उसके बाद होटल से बाहर चला गया। सुबह जब कमरे का दरवाजा खोला गया तब लाइट जल रही थी और बाथरूम का नल भी खुला था। आपको बता दें कि साल 2018 में आकांक्षा दुबे ने खुलासा किया था कि वो डिप्रेशन की वजह से फिल्मी दुनिया को अलविदा कह रही हैं। हालांकि मां के समझाने के बाद एक्ट्रेस ने फिर से इंडस्ट्री में दमदार वापसी की थी, लेकिन आज उनका जाना भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों की जानकारी के लिए बने रहें न्यूज नेशन के साथ।